तो मेरे कैडेट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज जीरो से ऐसा वाला पर। तो आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए जो कि एसएससी जीडी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए मैं अपनी तरफ से तो एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ जो कि मैंने अपनाया और मेरे को अपने गुरु जी अंकित भाटी सर ने बताया, वो चीज़ मैंने फॉलो की और उससे मेरा मार्क्स, मेरा स्कोर वगैरह इंक्रीज हुआ है और वो मेरे लिए हेल्पफुल हुआ है। तो मैं चाहता हूँ आप सभी के लिए भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो। जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं, मेरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, मेरे साथ है, तो उन मेरी फैमिली को, सभी को हेल्प मिलनी चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग मैं वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं कंप्लीट की बात बताने वाला हूँ जो मेरे को अंकित भाटे सर ने बताई थी और वो मैंने फॉलो की, जिससे मेरा मार्क्स बढ़ा और इंक्रीज हुआ, और सारा कुछ मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कैंडिडेट एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2022 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि चक्षु मॉडल जैसे उनके लिए लेके आए ये बुक का एक कलेक्शन जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, और इसी बुक्स में उनके लिए सारे कुछ जो भी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं सारे कुछ इसके अंदर दे रखे हैं, सारे प्रैक्टिस सेट वगैरह दे रखे हैं, और इसमें सारे मतलब क्वेश्चन का डिटेल में सोल्यूशन वगैरह दे रखा है। और साथ ही मैं उन लोगों के लिए जो अभी प्रिपरेशन अच्छी कर चुके हैं वो अपने प्रैक्टिस को और अच्छी करना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रैक्टिस सेट भी उन्होंने अवेलेबल करा दिया है। आप इन प्रैक्टिस सेट को भी खरीद सकते हो और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हो। तो ये सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से आज अपने घर मंगवा सकते हो। तो भाइयों शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिस टॉपिक पे बात करने हैं। तो भाइयों ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा स्टार्टिंग में मैंने जब 1 महीने की प्रिपरेशन करके, जब मेरा नवंबर में जब मैंने मॉक दिया था, नवंबर को लगभग 22 नवंबर के लगभग मैंने एक मॉक दिया था। उस मॉक में मेरा फर्स्ट मॉक में मेरे मार्क्स थे 99/160, 160 में से केवल 99 मार्क्स आए थे, 100 मार्क्स भी मेरे नहीं आ पाए थे। और इसके बाद मैंने दो चार मॉक और दिए थे, उनमें मेरे इसके भी कम स्कोर आया था, ठीक है, वो स्कोर में दिखा भी नहीं रहा, इतने कम आया है, ठीक है। तो तभी से डिमोटिवेशन आना स्टार्ट हो गई थी यार, 1 महीने प्रिपरेशन किए, मार्क्स बढ़ने के बजाय घट रहे हैं, ठीक है। तभी फिर मैंने मतलब थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन फिर मैंने अंकित भाटी सर से कॉल वगैरह लगाया, बात करने की कोशिश की, तो 1 से 2 दिन में तो बात हो पाई थी, और 1 से 2 दिन में बात हुई। तो अंकित भाटी सर से मैंने डिटेल में बात की, उनको सारी प्रॉब्लम बताई कि सर मैंने टॉपिक वगैरह क्लियर भी किए हैं, मैथमेटिक्स मेरी रीजनिंग अच्छी है, मेरी मैथमेटिक्स अच्छी है, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन जीके जीएस का थोड़ा था, तो जीके जीएस में अभी कवर कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने जीके जीएस पे अपना वर्क किया है, ठीक है। तो मेरे जो मार्क गलतियाँ होती थी, वो गलती मैं सबसे बड़ी बता दूँ, यही गलती हुई थी मेरे से कि मैं हमेशा ही सोच ईगो पे लिया करता था, मतलब ईगो भी नहीं बोलूँगा ना, तो मैं हट पे जिद्दी इंसान था कि यार भाई सभी बोलते हैं कि भाई तुम मैथ्स में तो पूरे में से पूरे ला सकते हो, रीजनिंग में पूरे में से पूरे क्वेश्चन नंबर ला सकते हो, और हिंदी में भी पूरे में से पूरे ला सकते हो, लेकिन जीके जीएस में पूरे में से पूरे नहीं ला सकते, सब यही बोलते हैं। इसीलिए मैं इसको सीरियसली ले गया, और मैं मैथ में कभी भी कितना भी हो, लेकिन मैं मैथ में हमेशा ही 20 के 20 क्वेश्चन सोल्व करने की सोचता हूँ, यही मेरी मेंटेलिटी रही थी। और रीजनिंग के भी 20 में से 20 क्वेश्चन सोल्व करने हो कि सोचता हूँ, हिंदी में तो तुम सोचो या मत सोचो, तुम 20 में से 20 सोल्व करोगे ही करोगे, ठीक है। और इसी की वजह से जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कोर बनना चाहिए था, उसी की वजह से मेरा माइनस मार्किंग होकर हमेशा स्कोर इतना कम हो जाता था, और यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी रही थी। और यह कमजोरी मेरी अकेले की नहीं, आज तैयारी करने वाले जो 3 लाख बंदे हैं ना, देखो कंपटीशन के लिए जो बोल रहे हैं ना कंपटीशन घट गया कंपटीशन बढ़ गया, भाइयों जब 22,000 वैकेंसी आती है तब भी कंपटीशन उतना ही होता है, और जब 45,000 वैकेंसी है कंपटीशन फिर भी उतना ही है, फिर भी कंपटीशन 2 से 3 लाख बच्चों के बीच में ही है, ठीक है। ये मत बोलना कि कंपटीशन बढ़ गया घट गया, कुछ नहीं, फालतू बातें कर रहे हैं सब, ठीक है। भीड़ और सिलेक्शन लेने वाली जो प्रोसेस होती है, उससे लड़ने वाला जो बंदा होता है, उनमें फ़र्क होता है भाई, भीड़ में और तैयारी करने वालों बंदों में फ़र्क होता है, ठीक है, तो उसको समझो। तो इसी में जो 3 लाख बंदे तैयारी कर रहे हैं, उनमें से कम 2.5 लाख बंदे से ज़्यादा बच्चे इसके अभी गलती करते हैं, यही गलती करते हैं मैक्सिमम, ठीक है, और मैंने भी यही गलती की है। तो मेरे क्या होता था कि 20 के 20 तो मैथ में से कहता ना, अगर इसमें से 18 क्वेश्चन मेरे से निकलते, 2 भी गलत निकलते, फिर मेरे 1 गट के 17 मार्क्स आ जाते थे, कभी ऐसे 16 कभी 15 मार्क्स तक भी हो जाते थे मेरे, ये गलती मैंने की। तो अब मैंने इस अपना टारगेट, इसके बाद मैंने अंकित भाटी सर से बात की, उन्होंने मेरे को टॉपिक्स वगैरह बोला था कि इन टॉपिक्स वगैरह को इस वगैरह कर लेना, तो टॉपिक्स तो वही सारे हैं, अभी तो अंकित भाटी सर के हर सब्जेक्ट का वीडियो बना दिया उन्होंने, तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम खराब करूँ, वीडियो को यहाँ पर चलाऊँ वगैरह दिखाऊँ, आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है, वही टॉपिक्स है यार, SI CI वगैरह सब टॉपिक्स वही होते हैं, ठीक है। लेकिन उनको पढ़ना कैसे था, जैसे कि मैंने किया ना सब कुछ, वैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सब कुछ इंडिविजुअली बिल्कुल एक एक तरीके से मैंने क्या किया था, उन सर ने मेरे को 3 चीज़ बोली थी कि पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, जो मैंने कर लिया और आप सबने भी कर लिया होगा, दूसरा कि ये CBT होता है इसका, और जिस भी एग्जाम का CBT हो ना, उस पर मॉक टेस्ट आपके ताबूत में अंतिम कील की तरह साबित होता है, तो मॉक टेस्ट जितने दे सकते हो दो, ठीक है,
तो फिर भाई साहब मैंने मॉक देना स्टार्ट कर दिए। और तीसरा कि जितने तुम मॉक देते हो ना, जितना मॉक आपके लिए कार्य करेगा ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा मॉक का एनालिसिस आपके लिए काम करेगा। ठीक है, मॉक का एनालिसिस आपके लिए काम करेगा। तो मॉक देने के बाद उसको एक घंटे के अंदर उसका एनालिसिस ज़रूर करो। और इसी की वजह से मेरे को यह चीज़ भी अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि मेरे मार्क्स कट कौन से सब्जेक्ट में रहे, किस कारण से कट रहे हैं और क्या ही करना है। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एग्ज़ाम में, देखो आपको भी यही करना है कि एग्ज़ाम में आपको यही स्कोर करके आना है कि मैक्सिमम 60 से लेकर 65 क्वेश्चन ही आपको क्वेश्चन आएंगे। भाई मेरे को पता है क्वेश्चन आ रहे होंगे, हिंदी तो ऐसी सब्जेक्ट होती है जिसमें कोई हर बंदा ये चाहता है कि भाई ये तो मेरे को आता है यार, और वही क्वेश्चन गलत हो जाता है। हिंदी आपसे जानबूझ के क्वेश्चन गलत करवाती है, इसलिए जिसमें थोड़ा बहुत भी डाउट हो ना, उस क्वेश्चन को पहले बार में छोड़ दो भाइयों। ठीक है, इतने टारगेट रखो कि आपको 60 से 65 के बीच में करना है, 65 से ज़्यादा क्वेश्चन करने ही नहीं है। अगर तुम 60 से 65 के बीच करके आओगे ना, तो भी आपको फर्स्ट चॉइस आराम से मिल जाएगी। इसका आप मार्क्स वगैरह निकाल के परसेंटेज निकाल लियो आप, 75 से 80 के बीच बनती है, और इसमें आपको फर्स्ट चॉइस आराम से मिलेगी, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। ठीक है भाई, तो ये स्कोर लेके चलो। ठीक है, अगर तुम 60 से 65 करोगे, देखो 15 क्वेश्चन छोड़ने का मतलब होता है, अगर मैथ में अगर 2 से 3 क्वेश्चन हार्ड आते हैं, 3 क्वेश्चन दोनों मैथ में छोड़ दिए, 2 से 3 क्वेश्चन सीरीज वगैरह इनको मिला के रीजनिंग में 3 क्वेश्चन मान लो। ठीक है, और 7 से 8 क्वेश्चन आप उसमें मान लो। ठीक है, किसमें, आपके GKGS में, तो 7, 3, 10 और 3, 13 ही क्वेश्चन होते हैं फिर भी। ठीक है, अभी बचते हैं 7 क्वेश्चन, और अगर 7 क्वेश्चन हिंदी में, अगर तुम 2 से 3 क्वेश्चन हिंदी में छोड़ देते हो, तो भी ये पूरे मिला के भी आपके 15 से 16 क्वेश्चन ही होते हैं। उसके बाद ही तुम लोग 65 क्वेश्चन करके आ सकते हो, और 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स में हार्ड आएगा नहीं, उस बंदे के लिए जो बंदा पिछले 2 महीने से तैयारी कर रहा है रीजनिंग, तो उसको बंदे के 3 क्वेश्चन छोड़ना बहुत बुरी बात होती है। यहाँ पे आप GKGS में थोड़ा बढ़ा सकते हो, 7-8 की जगह 8 से 10 भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको 10 भी मानना, तो 10, 3, 13, 3, 16 और 3, 19, और टोटल मिला के एक और मार्क्स बांट ले तो 20 मार्क्स भाई, 20 क्वेश्चन हो गए। अगर 20 क्वेश्चन तुम छोड़ भी देते हो ना, तो भी यार तुम्हारा 60 स्कोर बन जाएगा, और 60 पे तुम्हारे भाई साहब 60 स्कोर करने का मतलब हो गया 120 मार्क्स 160 में से। ठीक है, और जब इसका अगर तुम परसेंटेज निकालोगे ना, तो परसेंटेज निकालना इसकी, और फिर मेरे को बताना कितनी हो जाती है। ठीक है, 300/4 कर लेना, 7×4=28 और 75% बनती है आपकी, और 75% पे आपको फर्स्ट चॉइस आराम से मिल जाएगी। यही मेरी स्ट्रेटजी रही है, यही मैंने सोच रखा है, यही मेरे को अंकित भाई ने बताया था, और यही आप लोगों को फॉलो करना है। गारंटी देता है आपका भाई, आपका 100% स्कोर रहेगा इतना स्कोर, और आपको फर्स्ट चॉइस मिलेगी जो भी आप करोगे। बस अब गलती करने का वक्त नहीं, अब गलतियाँ सुधारने का वक्त है। बाकी आपके जो GKGS और वगैरह के लिए अंकित भाई ने चलाए रखी है सीरीज वगैरह, और बाकी मॉक टेस्ट आपके डेली हो ही रहे हैं, मिनी मॉक और जो भी आपका रेगुलर मॉक हो रहा है सैटरडे संडे को, और जो भी अभी आप टेस्ट सीरीज वगैरह जहाँ से भी आप मॉक दे रहे हो, देते रहो भाई, जितने ज़्यादा हो सके दिन में 2, 4, 5 मॉक देते रहो, मॉक से आपको एनालाइज, लेकिन मॉक देख के छोड़ना नहीं, उसको एनालिसिस जरूर करना है, एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे और एक हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।